देश की दुनिया की हर जानकारी है। पहली कक्षा में पढ़ने वाले 6 साल के प्रियांशु अपने आप में चमत्कारी लड़के कहला रहे हैं, जिसे छोटी सी उम्र में वो सब पता है जिसे अच्छे अच्छे डिग्री धारक भी नहीं बता पाते। रिपोर्ट देखिए आप। बाराबंकी का गूगल बॉय, देश दुनिया की हर जानकारी, सवाल पूछते ही झट से जवाब, कोई भी सवाल प्रियांशु देगा जवाब। बाराबंकी का चमत्कारी बालक, 6 साल की कम उम्र में देश और दुनिया के तमाम राजनेताओं के नाम, साथ ही देश के हर राज्य और उनकी राजधानी के नाम, उसके साथ ही वहाँ के मुख्यमंत्रियों के नाम भी बखूबी से याद रखने वाले गूगल बॉय के नाम से शोहरत बटोर रहे मासूम प्रियांशु की विलक्षण प्रतिभा ने सबको अचंभित कर रखा है। हर सवाल का जवाब मानो प्रियांशु की जुबान पर ही रखा है। आप खुद देखिए कि किस तरह से देश और दुनिया की हर जानकारी प्रियांशु की जुबान पर है। बेटा, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है बताएं? जकार्ता। रूस की? मास्को। जापान की? टोक्यो। अच्छा, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है बेटा? अमरावती। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ईटानगर। हाँ, और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। हेयर फोर एंड माउथ हेयर आई नो लिप टीटा चीक चिन नेक्स एल्बो हैंड रिस्ट पाम फिंगर था नेल चेस्ट बैग स्मैक फेस्ट लेगन नी हील एंकल फुट। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर त्रिवेदीगंज ब्लॉक के करमेमऊ गढ़ी गांव के किसान सुरेश यादव के बेटे प्रियांशु, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 6 साल है। प्रियांशु अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 में पढ़ते हैं, लेकिन प्रियांशु की प्रतिभा का कोई सानी नहीं है। गरीब घर में जन्मा ये बच्चा आज इलाके में गूगल बॉय के नाम से फेमस हो चुका है। बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, गुआवा, पपाया, पियर, वाटरमेलन, मैक्सिमेलन, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, कोकोनट, लेमन, फिग, लीची, कीवी, पंक, टोमेटो, पोटैटो, चिली, लेमन, पीच, इन रैबिटस, पंपकिन, गार्लिक, मशरूम, कैबेज, कैप्सिकम, कैन फ्लावर, लेडी फिंगर, ओन, डीप जिंजर, ब्लैक पेपर, टर्मरिक। गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने वाला प्रियांशु से जो भी सवाल किया जाता है उसका वो बखूबी जवाब देता है। छोटे से बच्चे का इतना तेज दिमाग देखकर सब दंग रह जाते हैं। बच्चे को दर्जनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, सभी देशों की राजधानी, उनके मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम समेत सब कुछ याद है। हमारे देश का रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। गृह मंत्री कौन है? अमित भाई सा। अच्छा, रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुर, मुरादाबाद, जीबीनगर, बुलंदशहर, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, फर्रुखाबाद, सादपुर, खीरी, आगरा, फिरोजाबाद, कन्नौज, सीतापुर, बहराइच, रावस्ती और जलान, कानपुर, देहातपुर, उन्नाव, लखनऊ। छात्र प्रियांशु की ज्ञान क्षमता की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई है। गूगल की तरह तुरंत जवाब देने वाले इस तेज दिमाग वाले बच्चे को उच्च शिक्षा देने के लिए भी शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रयासरत हैं। अधिकारियों का मानना है कि ऐसे बच्चे आगे जाकर देश का भविष्य बनेंगे। इसे बड़े सहारे की जरूरत है, साथ ही जरूरत पड़ने पर बच्चे का IQ टेस्ट बड़े स्तर पर कराया जाएगा। जैसे आगे जाएगा स्कूल में, पढ़ेगा, मेहनत करके तो अच्छा बन जाएगा। हम लोग इसी में लगे हैं कि वो आगे चल के अपना नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे। प्रियांशु के करमेमऊ प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर संतोष कुमार के अनुसार, प्रियांशु हमारे स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है और ये बहुत कम समय में बहुत जल्द ही प्रोग्रेस करता है और सारी चीजें याद कर लेता है। इसको 25 फलों के नाम, 25 सब्जियों के नाम, 25 जानवरों के नाम और 25 जंतुओं के नाम समेत सभी देशों की राजधानी, राज्यों की राजधानी, उनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत और बहुत कुछ याद है।
ये बहुत कम समय में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है, बहुत अच्छी तरह से कोई चीज़ याद कर लेता है। इसको 25 फलों के नाम, 25 जानवरों के नाम, 25 सब्जियों के नाम, 25 जंगली जंतुओं के नाम और पूरे देशों की राजधानी, पूरे देशों की राजधानी, राज्यों की राजधानी और बहुत कुछ इसको याद है। कई संस्थाओं ने इन संपर्क किया कि मैं इसके एजुकेशन का पूरा खर्चा लेता हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाकर इसको आगे तक पहुँचाने की इच्छा रखता हूँ। इसके माता पिता दोनों लोग किसान हैं और घर का काम करते हुए बच्चे की देखभाल करते हैं। कई संस्थाओं ने हमसे संपर्क किया है कि वो छात्र के शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने को तैयार है, लेकिन हम इस छात्र प्रियांशु की शिक्षा को इसी स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। वहीं प्रियांशु की माँ बच्चे के बारे में बताती है कि प्रियांशु काफी होनहार है और इसका पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता है। वो चाहती है कि उनका बच्चा आगे भी अच्छे से पढ़ लिख कर माता पिता देश और जनपद का नाम रोशन करे। भारत समाचार के लिए बाराबंकी से दीपक निर्भय की रिपोर्ट।